सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड चैनल। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आप भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको रॉ के एक ऐसे जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गया था। हम बात कर रहे हैं भारत के जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की। तो चलिए जानते हैं भारत के इस जाबाज जासूस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ और उनका बचपन गंगानगर में ही बीता। बचपन से ही उन्हें थिएटर का शौक था, तो इसलिए वे बड़े होकर एक थिएटर कलाकार बन गए। एक बार जब वे लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे थे, तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें उनमें एक जासूस बनने की संभावना नजर आई। रॉ के अधिकारियों ने उनसे मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रॉ में उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई और पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उनका खतना किया गया और उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में उनका नाम बदल कर नवी अहमद साकिर कर दिया गया। चूंकि रविंद्र गंगानगर के रहने वाले थे और वहां पंजाबी बोली जाती थी और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में भी पंजाबी ही बोली जाती थी, तो इसलिए उन्हें पाकिस्तान जाकर सेट होने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आईं। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई खत्म होने के बाद वे पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और प्रमोशन लेते हुए मेजर की रैंक तक पहुँच गए। और इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी ऑफिसर की लड़की अमानत से शादी की और एक बेटी के पिता भी बने। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई और उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा गया। लेकिन 1983 का साल ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ, क्योंकि 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया और लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया और इसलिए रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार करके उन्हें सियालकोट की जेल में डाल दिया। पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी उन्होंने भारत की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया और जब पाकिस्तानी अधिकारी उनसे भारत के खिलाफ कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्हें 1985 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। और फिर मियांवाली जेल में 16 साल काटने के बाद एक हार्ट डिजीज के कारण 26 जुलाई 1999 को उनकी मौत हो गई। और चूंकि वे एक जासूस थे, तो भारत सरकार ने उनका शव लेने से मना कर दिया, क्योंकि हर खुफिया एजेंसी का यह नियम होता है कि अगर वे जासूसी करते हुए किसी दूसरे देश में पकड़े जाते हैं, तो उनकी सरकार उन्हें किसी भी तरह की सहायता प्रदान नहीं करेगी। और इसलिए रविंद्र कौशिक के शव को भारत सरकार ने वापस लेने से मना कर दिया था और रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया था। रविंद्र कौशिक के पिता इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे और रिटायर होने के बाद वे टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। रविंद्र कौशिक ने जेल से उन्हें कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी और उसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया था। रविंद्र कौशिक को उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स के लिए किसी भी ऑनर से सम्मानित नहीं किया गया था और यहां तक कि उन्हें पहचानने तक से मना कर दिया गया था। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कहानी जानने के बाद हर भारतीय के दिल में रविंद्र कौशिक के लिए सम्मान और बढ़ेगा और रविंद्र कौशिक हमारे देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।